সরকারি পদে থেকেও লাভজনক পেশায় জড়িত থাকার অভিযোগে আপের 20 জন বিধায়ককে বরখাস্তের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টে গিয়েও স্বস্তি পেল না আম আদমি পার্টি। অফিস অব প্রফিট মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল না হাইকোর্ট। আমরা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি প্রশান্তের সঙ্গে। জি প্রশান্ত, বিস্তার সে বতাইয়ে। जी देखिए शुभ्रजीत, जो लाभ के पद का मामला था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला था, जिस पर दो दिनों पहले ही इलेक्शन कमीशन ने अपना जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के पास भेजा था, ये कहते हुए कि जो 20 एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में उनके खिलाफ मामला बनता है, लिहाजा इनको क्वालिफाई कर दिया जाए और इनके जो जो एमएलए है वो उनसे उसको हटा दिया जाए। आज राष्ट्रपति ने, रामनाथ कोविंद ने जो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन थी उस पर उसको सही माना, उसको उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया और अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है, लॉ कानून मंत्रालय, उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और अब जो आम आदमी पार्टी के 20 एमएलए हैं वो अब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, इसका मतलब वो एमएलए नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, व्हाट इज अहेड। अब एक मामला पहले ही जिस दिन चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश भेजी थी राष्ट्रपति के पास, उसी दिन आम आदमी पार्टी के 6 और 7 एमएलए दिल्ली हाईकोर्ट गए थे और दिल्ली हाईकोर्ट ने थोड़ी सुनवाई भी की थी, वो मामला चल रहा है और कल उसकी सुनवाई होनी है, यानी कल जो मंडे अभी आने वाला है उसमें सुनवाई होनी है। हालांकि चूंकि अब राष्ट्रपति ने भी इन एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो अब वो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि वो इस मामले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे, तो अब जो फैसला आया है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के एमएलए हाईकोर्ट में जाएंगे और हाईकोर्ट अगर इस मामले को सुनने के लिए, हियरिंग के लिए तैयार हो जाती है तो फिर वहां मामला चलेगा और उसके बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऑप्शन खुला रहेगा आम आदमी पार्टी के पास। लेकिन अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रपति का जो फैसला है उसको बहाल रखती है, उसको मेंटेन रखती है, तो इन सभी 20 सीटों पर बाई इलेक्शन होगा, तो उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद ही ये पता चल पाएगा कि कब बाई इलेक्शन होगा। लेकिन अगर दोनों जगह बहाल होता है तो 6 या 7 महीने के अंदर यहाँ पर बाई इलेक्शन होगा, तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है एक तरीके से, क्योंकि 20 एमएलए उनके डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। और यहाँ एक और मैं बात बता दूं कि 27 और एमएलए का मामला चल रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ही मामले में, एक दूसरे मामले में, उस पर अभी फैसला आना बाकी है, इलेक्शन कमीशन के पास पिटीशन जो है पेंडिंग है, उस पर सुनवाई अभी होनी है। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए यह अच्छी खबर नहीं है और अब जैसा इन ऑल प्रोबेबिलिटी अब आम आदमी पार्टी के जितने विधायक है, 20 विधायक, वह हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में देखना होगा कि वहां पर क्या होता है, कोर्ट का फैसला क्या होता है, कोर्ट किस तरीके से इसको देखती है।